बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की हत्या का मामला देश भर में गरमाया हुआ है और लव जिहाद को लेकर इस मामले में आज मृतक निकिता तोमर के घर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल अमू पहुंचे और पत्रकारों के साथ मिलकर अपने तल्ख बयान दिए। आज मृतक निकिता तोमर के घर विद्या का करणी सेना प्रमुख सूरज पाल अमू पहुंचे और परिवारजनों को सांत्वना और सहानुभूति दी। वहीं निकिता तोमर के घर पहुंचे करणी सेना प्रमुख सूरज पाल ने प्रशासन को फटकार लगाई और कहा कि इस तरह कब तक लव जिहाद के मामले हमारी बेटियों को डसते रहेंगे, आखिर कब प्रशासन धर्म की रक्षा करने वाली हमारी बेटियों को इंसाफ देगा। इस मौके पर उन्होंने कानून को भी हाथ में लेने की बात कह डाली और जमकर तल्ख बयान दिए। सुनिए क्या कहा सूरज पाल अमू ने। नगर सोसाइटी में इस परिवार तोमर परिवार के बीच में और ये जो सैकड़ों लोग खड़े हैं, मैं इनके सामने एक बात कहना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान में अब कोई लव जिहाद नहीं होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमको कानून हाथ में लेना पड़ा तो हम अपने धर्म को बचाने के लिए कानून भी हाथ में लेंगे। क्या केवल मात्र हिंदुओं की बेटियों को कानून हो जाए भाई? ये नाटक मत करो भाई, प्लीज। हाँ, ये बच्ची इधर उधर भागती रही, वो आराम जा रहे। उस बच्ची को किडनैप करने के लिए जिस प्रकार की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में नजर आई, क्या ये वही कांग्रेस का समर्थित परिवार है? आज राहुल गांधी सोनिया गांधी के विषय में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, परंतु जिस परिवार का हरियाणा में गृह मंत्री रहा हो, वित्त मंत्री रहा हो, आज उस परिवार को शर्म नहीं है? उस बेटी को 2018 से लगातार परेशान किया जा रहा है, परिवार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। भाई मारेंगे और जिसके हाथ में लगा वो ही मारेगा। हम लोग कब तक अपनी बेटियों को इस प्रकार से लव जिहाद के लिए उनकी कुर्बानियां देते रहेंगे? मैं बहुत दुखी हूं, मैं ही नहीं पूरा देश दुखी है। निकिता तोमर के लिए जो चैनल इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, परंतु ये मुद्दा देशव्यापी मुद्दा है। पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर जहां कट्टरवाद है, हिंदुस्तान के अंदर 110 करोड़ हिंदू जिस दिन कट्टर हो गए, ये औरंगजेब और बाबर हुमायूं का राज नहीं है। देश के अंदर 110 करोड़ हिंदुओं को चैलेंज किया गया निकिता तोमर की हत्या करके। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लव जिहाद का कोई भी मामला हिंदुस्तान में कहीं भी नजर आया, और मैं तो मांग करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के गृह मंत्री से, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार जब निर्णय कर सकती है तो मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री और दिग्गज गृह मंत्री अनिल विज से मांग करूंगा इसका भी फैसला जल्द हो। देश की भावना को समझें, प्रदेश की भावना को समझें। हमें खून के बदले खून चाहिए। हमें निकिता ने जो अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, इन नलायकों को देखिएगा, जो रिवाल्वर जिससे हत्या की गई है, उस जो रिवाल्वर को उपलब्ध कराने वाला इस्माइलुद्दीन इसका मामा जो भौंडसी जेल में बंद है, और जिसने रिवाल्वर दी वो और उसके साथ जो यहाँ इस षडयंत्र में बैठे हुए हैं, अभी तो 3 गिरफ्तारी हुई हैं, अभी 30 गिरफ्तारियां और होंगी इस मामले में, क्योंकि 2018 में जिस प्रकार से इस परिवार के ऊपर लड़की के निकिता के पिताजी खड़े हैं, ब्रदर खड़े हैं, पूरी बिरादरी खड़ी है, जिस प्रकार से दबाव डालकर 2018 में फैसला कराया गया, मैं धन्यवाद देता हूं कि 2018 से इसकी जांच एसआईटी कर रही है, परंतु एसआईटी के अंदर एक और व्यक्ति की मांग परिवार कर रहा है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मांग करता हूं कि उस एसआईटी के अंदर एक व्यक्ति को और बढ़ाया जाए। मैं मांग करता हूं कि जो परिवार कहता है हमें न्याय मिले पहले, और न्याय अगर बातों से नहीं मिला तो तरीके बहुत है करनी सेना के पास न्याय लेने के, न्याय करने के। हम लोग अपनी बेटियों की हत्या इस प्रकार से बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। लव जिहाद कोई अब्दुल बनकर राहुल बन जाता है, कोई तौसीफ बनकर अंकुर बनकर अपना फेसबुक पर आईडी बना लेता है, इस प्रकार की गंदगी आज ना कोई मौलाना बोल रहा है, ना कोई मौलवी बोल रहा है, ना सोनिया प्रियंका वाड्रा हाथरस की तरह ड्रामा कर रहे हैं। ये क्यों चुप है? कारण कि आज इस देश की निकिता की जो हत्या हुई है उस पर इनके मुंह में दही जम गई है। बॉलीवुड से कोई नहीं बोल रहा, कैंडल वाला कोई नहीं बोल रहा, इंडिया गेट पर कोई नहीं इकट्ठे हो रहे। कारण क्या? जातियां देखकर आप तय करते हो? क्या धर्म देखकर तय करते हो कि किसकी बेटी मरी?
करनी सेना छोड़ेगी नहीं। और मैं कह के जा रहा हूँ आज इस धरती पर, हमने भी सोच लिया है अगर इस देश के लिए हमारे इधर से 10-20 शहीद हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, फांसी हम भी चढ़ने को तैयार है, छोड़ेंगे नहीं। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, खून के बदले खून, खून चाहिए। सरेआम हत्या हुई है, वो कह रहे 30 दिन के अंदर 4 सीट देंगे। अरे सरेआम गोली चली, हथियार बरामद हो गया, अब तो तुरंत मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ, विधायक खड़े हैं फरीदाबाद के नरेंद्र जी, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री जी से कहें कि हमको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी न्याय दें। और हरियाणा में एक ऐसा निर्णय जल्दी आए, और निर्णय के अंदर एक मांग करनी सेना करती है, सरेआम फरीदाबाद के उस चौक पर इसको गोली मारी जाए या इसको फांसी पर लटका जाए, ये हमारी मांग है। और मुझे उम्मीद है प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार सुनती है, हमारी बात को भी प्रदेश सरकार सुनेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाकर जल्दी ही पीड़ित परिवार को और 110 करोड़ हिंदुओं को न्याय दिलाने का काम प्रदेश सरकार करेगी। अम्मू जी आप कह रहे हैं निकिता ने अपना धर्म बचाने के लिए कुर्बानी दी, जी इसके बारे में बताएगा कैसे धर्म बचाया? निश्चित तौर पर 2018 से लगातार जिस प्रकार से तौसीफ और उसका परिवार, जो उसका एक चाचा है, लगातार टेलीविजन में स्टेटमेंट दे रहा है, कई टेलीविजन जानबूझकर उस मामले को दिखा रहे हैं, कई टेलीविजन जिस प्रकार की बातें दिखाकर इस केस को घुमाना चाह रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप मीडिया हो, देश का चौथा स्तंभ हो, सरेआम हत्या हुई है, उस लड़की को जिस प्रकार से 2018 से लगातार 2020 तक तंग किया गया, उसके परिवार ने दबाव डाला, उसने दबाव डाला, परंतु उस लड़की ने हार नहीं मानी, उसने कहा कि ना तो मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी, ना तुम्हारे कहने से धर्म परिवर्तन करूंगी। ये उस लड़की की शहादत है, ये 110 करोड़ हिंदुओं के धर्म को बचाने के लिए उसकी कुर्बानी है, और इसके लिए उसकी कुर्बानी के लिए अगर हमें 2-4-5 इधर उधर करने पड़े तो छोड़ेंगे नहीं, जिसको चलाना चलाए, जिसको दिखाना दिखाए, जिसको ना दिखाना ना दिखाए। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.